अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंकर पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सब्सटेंस पेंटर के अंदर एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली जनरेटर्स का ही एक पार्ट होता है। कि लाइक जब हम लोग मॉडल हम लोग बनाते हैं, कोई टेक्सचर करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, कुछ फेक डेप्थ भी हम लोग वहाँ पे क्रिएट करते हैं। फेक डेप्थ का मतलब है लाइक हाइट मैप के थ्रू हम लोग कुछ इसमें क्रिएट करते हैं। तो हाइट मैप में जो हम लोग चीज़ें बनाते हैं, आइदर वो चीज़ें ऐसा एक हेलुसिनेशन इफ़ेक्ट देती हैं कि वो चीज़ें या तो अंदर की तरफ दबी हुई हैं या बाहर की तरफ उभरी हुई हैं। तो जब हम लोग जनरेटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, जनरेटर इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट नहीं देता है। तो हम लोग एंकर पॉइंट की मदद से हम लोग अपने हाइट चैनल को भी इफ़ेक्टेड कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज़ मैंने एक यहाँ पर एक स्फीयर लिया हुआ है इस तरह का, और मैं उसके ऊपर कुछ सपोज़ एक जस्ट एक मैंने एक दे दिया ऐसा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक ऐसा एक लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, पेंट लेयर। इस पे मैं क्या करता हूँ, सारे चैनल को ऑफ़ करके सिर्फ हाइट चैनल को मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। ध्यान से चीज़ को देखिएगा, क्योंकि जनरेटर का जो मामला होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग होता है। तो फिलहाल आप देखिए कि मैंने यहाँ पर इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, फिर से समझाता हूँ। एक लेयर लिया है नॉर्मल सा, कुछ भी नहीं किया मैंने उसमें, बस उसका कलर चेंज किया है। उसके ऊपर मैंने एक पेंट लेयर लिया है, उसका सिर्फ हाइट चैनल को ऑन रख के मैं इसको डाउन करता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर कुछ मैं इफ़ेक्ट बनाता हूँ, सपोज़ ऐसे। अभी देखिए ये कैसा फील हो रहा है, लग रहा है ना कि ये अंदर की तरफ ऐसे दब रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ये बस एक हेलोसिनेशन इफ़ेक्ट है, ठीक है, जो लाइट के साथ इंटरैक्ट भी कर रहा है और हमें ऐसा फील दे रहा है कि ये चीज़ें अंदर की तरफ दबी हुई हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक अलग लेयर लेता हूँ और इसका सिर्फ कलर चैनल को ऑन रखता हूँ और इसको ब्लैक कर देता हूँ। अभी मैं इसको जनरेटर की मदद से, पहले मैं इसको ब्लैक मास्क करता हूँ, फिर राइट क्लिक एंड जनरेटर। अभी सपोज़ मैंने यहाँ पे डर्ट ऐड कर दिया, ठीक है, डर्ट ऐड हो गया, और इसका थोड़ा सा लेवल को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए डर्ट हमने ऐड कर दिया और अब देखिए डर्ट काफ़ी बढ़िया से अप्लाई हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक लॉजिकल बात है, डर्ट अगर यहाँ ऐड हो रहा है इस जगह पर, तो यहाँ भी तो कोने में ये जो कोने वाले इफ़ेक्ट है, यहाँ भी तो डर्ट ऐड होना चाहिए। भले ही ये चीज़ें हमने हेलोसिनेशन की मदद से तैयार की है हाइट मैप के थ्रू, जो कि हेलोसिनेशन इफ़ेक्ट दे रहा है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर दबा हुआ है। तो जो चीज़ें यहाँ पे जो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है डस्ट का, सेम तो यहाँ भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग हेल्प लेते हैं एंकर पॉइंट का, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो जनरेटर होता है वो ये हाइट मैप पे अप्लाई नहीं होता है। तो हम लोग एंकर पॉइंट की मदद से हाइट मैप में भी जनरेटर का इफ़ेक्ट हम लोग ले आते हैं। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा लेयर है जिसमें हमने ये हेलोसिनेशन वाला इफ़ेक्ट क्रिएट किया है, तो ये मैं बार बार हेलोसिनेशन बोल रहा हूँ क्योंकि इस मेरे हेलोसिनेशन बोलने से मतलब है ये जो हाइट चैनल, क्योंकि हाइट चैनल जो होता है वो बेसिकली एक हेलोसिनेशन ही होता है। तो मैंने ये वाला हाइट चैनल वाला जो हमने जो बनाया था डिज़ाइन, उसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ राइट क्लिक मैं करूँगा और इसके नीचे देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा एंकर पॉइंट का, ऐड एंकर पॉइंट, ठीक है, अप्लाई कर दिया हमने ऐड एंकर पॉइंट। यहाँ देखिए एंकर पॉइंट नेम होता है, आप चाहो तो अपना नेम भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल यहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने जनरेटर वाले लेयर पर आना है, जो कि हमारा ये था जनरेटर वाला लेयर, ठीक है। ये हमारा बेस लेयर था, ये हमारा वो जो हमने डिज़ाइन बनाया हाइट मैप के थ्रू, ये वो वाला है, और ये हमारा जनरेटर वाला लेयर। तो इसका हमने जो जनरेटर ऐड किया था उस पर हम लोग जाते हैं, ठीक है, जनरेटर। अभी क्या करना, बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन है माइक्रो हाइट। माइक्रो हाइट क्या है, ये जो हमने हाइट मैप के थ्रू जो डिटेल्स हमने बनाया था उस पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, रिसोर्सेज एंड एंकर पॉइंट। तो आपको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए एंकर पॉइंट का नाम शो करेगा जो हमारा लेयर वन था, सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करिए और देखिए यहाँ पे रेफरेंस चैनल, कि ये जो माइक्रो हाइट वाला जो हमने ये जो स्लॉट है इसके अंदर हमने इस लेयर को अप्लाई कर दिया, तो अब इस लेयर के कौन से चैनल को ये बेसिकली इफ़ेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस चैनल है, बेस कलर है, मेटालिक है, रफनेस, नॉर्मल हाइट, तो हमें हाइट में दिया था,
हाइट को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी भी देखिए बेसिकली कुछ इफेक्ट यहाँ पे आया नहीं, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे और देखिए यहाँ पे है माइक्रो डिटेल। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग माइक्रो डिटेल के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तो आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं माइक्रो डिटेल्स क्या है। बस इसको आप ओपन करिए और यहाँ देखिए माइक्रो हाइट, माइक्रो नॉर्मल, तो हमने हाइट में दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ से ट्रू कर देंगे। अभी देखिए जैसे ही हमने ट्रू किया, ये देखिए ये सारा जो इफेक्ट था वो इसके अंदर भी आने लग गया। ठीक है, अभी देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ इसके ऑप्शंस होते हैं, आप चाहो तो इसके आप यूज़ कर सकते हो, कम ज़्यादा जितना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपके ऊपर होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा इतना करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एंकर पॉइंट का हेल्प लेते हैं। तो देखिए हमने एक बना दिया हाइट को लेकर, अभी मैं क्या करने वाला हूँ इसको डिलीट करता हूँ, और ये वाला मैं जाकर इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, एक और मैं यहाँ से सपोज़ नॉर्मल को लेकर मैं ये कुछ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, नॉर्मल चैनल के अंदर मैं यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट देने वाला हूँ। सपोज़ ये वाला एक इफ़ेक्ट मैंने दे दिया। ठीक है, देखिए अभी पहले मैंने हाइट को यूज़ किया था, अभी मैंने नॉर्मल चैनल को यूज़ किया, तो अभी यहाँ पर जाऊँगा और जनरेटर सेम काम वैसे ही करने वाला हूँ। डर्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, डर्ट का लेवल थोड़ा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर जो हमने नॉर्मल वाला चैनल लिया था इसमें मैं यहाँ से एंकर पॉइंट को लगा देता हूँ और इसके अंदर जनरेटर के अंदर आऊँगा, अभी माइक्रो नॉर्मल को यूज़ करूँगा, एंकर पॉइंट एंड लेयर वन। ठीक है, रेफरेंस चैनल नॉर्मल। ठीक है, ऊपर जाएंगे माइक्रो डिटेल, इस बार हमने नॉर्मल में लिया तो इसको हम लोग ऑन कर देंगे। देखिए इसके अंदर भी आ गया, तो पहले हमने हाइट में किया था, अभी इसके अंदर कर दिया हमने, और फिर इसको भी हम लोग यहाँ से कम ज़्यादा जितना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसा ही कुछ हम लोग और भी बढ़िया रियलिस्टिक इफेक्ट हम लोग दे सकते हैं, टेक्स्ट के साथ भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं, तो चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ टेक्स्ट के साथ आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक एंकर का मॉडल है। बेसिकली हम लोग एंकर पॉइंट सीख रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एंकर का ही एक मॉडल लेकर आपको बताया जाए। तो मैं फ़िलहाल यहाँ क्या करने वाला हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पर एक लेयर ले लेता हूँ और इसका मैं क्या करता हूँ, ओनली हाइट चैनल को ऑन करता हूँ, इसको थोड़ा डाउन कर दिया और इसके यहाँ पे जहाँ अल्फा था मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप मैंने लिख दिया यहाँ पे, और टाइप को मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, सपोज़ सबसे पहले तो मैं इसके हाइट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और 270, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंकर पॉइंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। मुझे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, लाइक मैंने इसको अच्छा मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, हाँ अब हो गया ये एंकर पॉइंट अप्लाई। अच्छा ये पूरी तरह से आया भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं पहले तो क्या करता हूँ इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ये हो गया एडजस्ट, थोड़ा सा और आई गेस ये बढ़ेगा, और थोड़ा सा मैं हाइट को भी एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ समथिंग। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हाइट में ये अप्लाई हो गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है अभी भी ये, तो मैं थोड़ा इतना रख देता हूँ। ठीक है, अभी ये सही लग रहा है, एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे नहीं यार, हाँ अब सही है, एंकर एक तरफ और पॉइंट एक तरफ आपका,
ठीक है, एंकर पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा एंकर पॉइंट यहाँ पर लग चुका है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लेयर ले लेंगे यहाँ से, और मैं यहाँ बस कलर चैनल को ऑन रखता हूँ, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं ऐसे ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, इसको अभी हम लोग यहाँ पर ब्लैक मास्क करेंगे और ऐड जनरेटर्स और यहाँ से डर्ट। ठीक है, तो हमारा डर्ट इस पर आ चुका है। डर्ट लेवल हम लोग यहाँ लगा देंगे, डर्ट का कॉन्ट्रा डर्ट लेवल्स समथिंग इतना मैं रखता हूँ, थोड़ा सा डर्ट को कम कर देता हूँ, ये डर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जाएंगे माइक्रो हाइट, एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, रेफरेंस चैनल को यहाँ पे कर देंगे हाइट में, क्योंकि हाइट से ही हम लोग काम कर रहे हैं। माइक्रो डिटेल्स के पैनल को ऑन करेंगे और माइक्रो हाइट को कर देंगे ट्रू। अभी देख सकते हैं कि पूरा डस्ट यहाँ पे आ गया है। तो बेसिकली टेक्स्ट के केस पे क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो एरिया होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एंड समथिंग इतना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंकर पॉइंट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे अगर आप लोगों ने अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ और जल्द से जल्द मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।